हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं जो करेला है उसके ऊपर की जो स्किन है उसे मैं निकाल देती हूँ। स्किन निकालने से जो कड़वा टेस्ट है वो ज़्यादा नहीं आता है। कुछ लोग इसे नहीं निकालते, अगर आप रखना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है, आप रख सकते हो। उसके बाद मैं इसे बीच में से इस तरह से चीरा लगा करके अंदर भी जो उसका होता है वो भी निकाल देती हूँ। ये बहुत कड़क है इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। अगर ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है अंदर तो मैं इसे रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैं इस तरह से इसे बारीक बारीक कट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ करेले कट करके रखे हुए हैं। कुछ लोग इसे सर्कल में भी काटते हैं। अगर आप चाहे तो आप वैसे भी कट कर सकते हो, टोटली आप पर है। अब मैं यहाँ पर इसमें नमक डाल दूँगी। मैंने थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है इसमें। नमक डाल के इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, दबा दबा कर, ताकि उसमें नमक अच्छी तरह से लग जाए। और इसे आपको 15 मिनट रख देना है। 15 मिनट रखने से क्या होता है, जो इसका कड़वापन है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसे 15 मिनट ज़रूर रखें। ज़्यादातर लोगों को करेला पसंद नहीं होता है कड़वेपन की वजह से, बट आप लोग एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर सभी लोग मज़े से खाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है। 3 चम्मच तेल डाला है मैंने। अब मैं यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कली डाल रही हूँ। मिक्स कर दें इसे अच्छी तरह से। अब इसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज डाले हैं, कुछ 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और कड़ी पत्ता है। हरी मिर्च आप टोटली आपके हिसाब से डाल सकते हो, आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो। और प्याज इसमें हम थोड़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि करेले में प्याज अगर ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स कर दीजिए इसे अच्छी तरह से। अब आपको प्याज को ना ज़्यादा रेड करना है और ना ही एकदम वाइट रखना है। प्याज को आपको हल्की ब्राउन करना है, कच्ची पक्की जैसी। यहाँ पर मैं हमारी जो प्याज है वो हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैंने 4 छोटे साइज़ के टमाटो ऐड किए हैं, बारीक काट कर मैंने इसमें टमाटो डाले हैं। इसमें टमाटो भी अगर आप थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया ऑनियन और टमाटोज को। यहाँ पर उसका ढक्कन मैंने ढक दिया है और जो हमारे टमाटर है उसे मैं सॉफ्ट होने दूंगी। 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाकर देखा, हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़े मसाले डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर। आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। यहाँ पर मुझे कम तीखा लगा इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। मिक्स कर दिया मैंने इन मसालों को अच्छी तरह से। अब जो है मैं करेला इसमें ऐड करूँगी। जो हमने नमक लगा के रखा था इसे मैंने धो दिया है, क्योंकि बहुत सारा नमक था उसमें और वो हम सब्ज़ी में नहीं डाल सकते, वरना खारा हो जाएगा। इसे मैंने उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप बाद में इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के मैंने इसे रख दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा तो थोड़ा मसाला मेरा लग रहा था नीचे, इसलिए मैंने इसमें 1/2 कप वाटर ऐड किया है। आप आपके हिसाब से ऐड नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते। यहाँ मुझे ज़रूरत लगी इसलिए मैंने ऐड किया। अब फिर से मैं इसे मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से और इसे मैं रख दूँगी 1-5 मिनट के लिए, ताकि जो करेला है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर जो करेला है वो गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ऊपर से हरा धनिया इस पर डाल दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद मैं एक बार फिर से चम्मच चला दूँगी और गैस बंद कर दूँगी। हमारे करेले की सब्ज़ी रेडी है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो।
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।